आलू चने खाई दे बाद दसा तेरी चोरी से मेरा घर फड़ी गई कोई ना 12 रुपए चने दुकाना स्टार्ट हो रही है वो सब स्टार्ट होंगे इतने एक मेरा मैसेज है छोटा जा लोगों को फिर इंडिया लैंग्वेज आ जाता अस्सलाम वालेकुम जी मैं थोड़ा अपना पंजाबी मुंडा उम्मीद है तुम सारे ठीक होवोगे अज का प्लैन से कि मेरा बाल कटाव लेकिन लाइट बंद है कहते 12 बजे बिजली आनी है सो तुम्हें मैं अपने फेवरेट आलू चने दिखाने जा रहा जितों मैं बचपन तो खाँदा आ रहा बाबा जी आडे को कहते कच्ची च पढ़ता हूँ जो मैं थोड़े को आलू चने खा लगा देख लो माशाल्लाह बहुत अच्छे आलू चने बनाते मैं बहुत पसंद है आलू चने तो मैं अज तक इन्हें को खा रहा तकरीबन उम्मीद है कोई 10-12 साल हो गया 10-12 साल मेरी तो होगी 19 साल तो फिर एडा भी सीगा तू हाँ एडा सी किनवी क्लास है तू 3 च बाबा जी मैंने फिर आपे हो गया 12-13 साल नहीं नहीं ज्यादा हो ज्यादा साल हो गए 15 साल ला लो 15 साल हो चले मैंने इन्हें को आलू चने खाते हैं अज भी इन्हें को खाई देने स्पैशली आलू चने बना लगे दौर भी होंगे जो आलू चने खाई देते बाद च दसा दे खान लगे दोवे सच दोवे खाई देते पंजा की फुल प्लेट फिर दसा की फुल प्लेट हो गई हम वीह की फुल प्लेट मसा लगती बाबे बाबा जी की वेखो आलू चने बनाने का स्टाइल इन्हें मेरी चॉइस आज भी पता मैं चटनी वगैरह पानी नहीं होंगी सिर्फ पानी पाना होंगे गंढे भी हूँ मैं आके खान लग गया गंदे कट के रखे होंगे स्पेशल गाहक तेरी चोरी से मेरा घर फड़ी गई कोई ना चोरी फड़ी गई खैर हूं चलन मेरे दौर आलू चने की रेट लैके आते चने का 12 रुपए चने ते 2 रुपये किलो आलू ते हुण जिहड़े 40-50 रुपए आलू चल रहे ते 200 रुपए चने चल रहे लो ला लो साहब ला पहला दौर हुंदा सी बख्ता वाला हां जी मजा आंदा सी खाण दा 5-2 दे विच फुल प्लेट खाई दी सी हुण 20 दे दिन तां वी नहीं कुछ बनदा बाबा जी माशाल्लाह मैं अगे भी अक्सर रस्ते जा रहा उन्होंने जबरदस्ती मैं रोक के आलू चने दे रहे कहना पैसे खा रहे ना बाद चीज अज भी उन्होंने उही सीन मैं तकरीबन इन दिनों भी छोटा हों जो मैं आंदा हों बाबा जी खाना मैं पानी नहीं है पता हूँ मैं कि करा चाहिए तो जाने लाए सुके दे दो इन्हों सुके दे दिए हाँ सुके दे दो पानी दूजा ना पा दिए इन्होंने सादा पानी पा दो हूँ मैं चलिया अपने अड्डे ते न्यू मार्केट है मैं तुम विजिट कराना उत्थे एक थोड़ा काम वो करना वा तो बाद फिर वापसी करना उत्थे वाल कटवानी सी तो बिजली से अजे बंद कहते 12 बजे बिजली आनी 12:30 बजे तो बिजली तो बगैर बहना उत्थे बहुत औखा काम है फिर 12 बजे जावगा बाल कटवा तो उनका भी विजिट करावगा जी मेरी फेवरेट शॉप है जिते मैं बचपन में ही जा रहा हाँ बाल कटवा वो भी तुम दिखावगा हूँ मैं तुम नवी मार्केट का विजिट करा जो सारी माने अड्डे से माने अड्डे नवी मार्केट बनी हुई बहुत बड़ी मार्केट है सर उन्होंने तुम विजिट कराना अच्छा चलिए फिर पहुँच गया जी अपनी माने वाली मार्केट नाम रमज़ान मार्केट है इसका नाम तुम इन्हें विजिट करवाना हाँ दुकाना स्टार्ट हो रही वो सब स्टार्ट होंगे काफ़ी लंबी मार्केट बनी होती है अगर इधर भी जाती है अगर घट नहीं अजय इस मार्केट का नाम जी रमज़ान मार्केट जाना सिर्फ जाना मार्केट
मैं अपनी दुकान पर पहुँच चुके हैं जाना तो वाल कटवाऊँ से लेकिन बिजली बंद है तो उत्थे बहना बहुत औखा हो जाता सो बिजली का वेट करें बिजली जो आई फॉरन उत्थे चले जाना उन्होंने मैं अगे भी दस के आई मैं वाल कटवाने उत्थे वेटिंग लिस्ट पर लग जाती होंगी बहना पैंता उत्थे फिर टाइम लगता वो कहते जो भी बिजली आई उदो आ जाए तेरा नंबर लग जाऊ सो हूँ वेट कर रहे बिजली आ जाए तो फिर उन्होंने को जाऊँगा वाल कटवाने अभी तो लाजमी कटाने बहुत तंग हो लगता इतने एक मेरा मैसेज है छोटा जा लोगों कि असं जिन्ना हो सकी ना छोटी दुकाना की सेल करवा की कोशिश करिए हम असं बड़िया दुकाना जाने तो उन्होंने उत्थे लिखा होंगे सिंपल कटिंग 500 रुपए इस तरह की कटिंग 700 रुपए इस तरह की कटिंग 800 रुपए उनका की फायदा वो हम मैं इतने बचपन से आ रहा तकरीबन मैं 9-10 साल हो चले 12 साल इतने आ रहा मैं 50 रुपए की कटिंग करवाता हूँ अपनी वालों की तो हूँ जो मैं फस्ट ईयर आया उदो 70 रुपए हो गई फिर हूँ हूँ मैं दे रहा 100 रुपए अपनी कटिंग का बच्चे दाढ़ी भी हर चीज़ सब कुछ होंगे 100 रुपए दे रहा इन्ना फर्क पै तो अपनी मर्जी की कटिंग करवाई दी तो असी शोबाजी दिखाने वास्ते बड़िया दुकाना जाने फिर आके दसी दें कि यार असी इन्ने पैसे दे के कटिंग करवा के आँगी इन्ने पैसे असी उन्होंने दिते दुकान पर तो छोटे तबके की सेल करवाओगे ना तो फिर अपने दिल में खुश रखने की कोशिश करो कि छोटे तबके की सेल करवा के आए व्डे तबके की सेल करवा दी फायदा की तुम उन्होंने तो सगो 50 रुपया 100 रुपया कटिंग का लगना बाकी 400 रुपया तो बचना ही है उन्होंने तुम यही अगर दिखाना चाहते कि मैं 500 की कटिंग करवा के आया तो वही छोटे तबके दुकान पर एक्सट्रा पैसे दे दो खुश हो जाएगा मैं तुम्हें इन दुकाना विजिट करावगा जितने मैं बचपन से ही आ रहा सारिया छोटिया छोटिया ना कोई बड़ा मॉल बनया हो हर कोई मेरी इन्नी इज्जत करता कि जितनी बंदे की करन का हक हों मतलब मेरे को पैसे कभी अगे पिछे हो जाए उन्होंने कभी नहीं पूछा कि उन्होंने कहना चलो बाद चो दे दी मतलब वो छोटे तबके दुकाना बचपन से उन्होंने मैं जानते हैं हर कोई मैं जान वो इन्नी इज्जत करते हैं तो उन्होंने बड़े तबके चल जाए अगर पैसे अगे पिछे हो जाए उन्होंने कहना पहले पैसे दो तो फिर जाए की फायदा फिर बड़े तबके दुकाना जान का 500-8000 उन्होंने देना एवं छोटी मोटी चीज़ का फायदा हूँ सुबह तुम आलू चने की वीडियो देखी मैं बचपन तो उतना आलू चने खा रहा हूँ बाबा जी इन्नी मेरी इज्जत करते हैं मेरे को पैसे ना भी हो मैंने जबरदस्ती आलू चने खिलाने के तू खा ला पैसे चलो बाद देखी देगी जो तो पैसे होने उदो ही खाने होंगे जो अगर जबरदस्ती खवा भी देन फिर मैं लाजमी उन्होंने उस दिन पैसे पे करने होंगे ने सो यही कि मैं बड़ी दुकाना जा नहीं सकता तुम सोचते हो कि छोटी छोटी दुकाना जाना वो वीडियो बनावा के पोस्ट करता रहा लेकिन एक छोटे तबके की दुकान से सेल करवा की मैं बहुत खुशी होंगी है हर कोई जानता मेरा बचपन सारा इतने गुजर गया इन्हें छोटे तबके की दुकाना के हर कोई मैं इन्नी अच्छी तरह जानता कि कभी किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया मैं तुम्हें एक इदा ही दुकान विजिट करावगा जिते मेरा अपना खाता लगे है तो उन्हें कभी मेरे पैसे लिखे नहीं कॉपी से मैं अपने ही पैसे खुद याद रखता इन्ना मैं इतवाल करते हैं मैं तुम्हें एक छोटा जि पैगाम देना चाहता कि यार छोटिया दुकाना से जाके उन्होंने छोटे तबके की सेल करवा के अपने आप में खुशी दया करो ना कि व्डे तबके की सेल करवा के खुशी दया करो सो अजे तो सू एक दो दुकान विजिट कराई बाकी होर भी बहुत दुकाना विजिट करावगा जितने मैं अक्सर जाता मतलब बचपन मेरा सारा इतने गुजरिया तो कि इज्जत करते हैं मेरी तो हम फिलहाल तो बिजली का वेट कर रहे हैं आवे तो मैं आवाज कटवा के आवा देखते हैं कितों आते जी हूँ बिजली आई तो मैं पहुँच चुके हाँ सुंदर ब्यूटी सलोन जितों मैं बचपन से ही बार कटवा रहा है इनके बाद सुंदर का मतलब लाइव में पूछना यार सुंदर का मतलब की है मेरा हाँ जी वो तो फिर इंडियन लैंग्वेज आ जाता है मतलब सुंदर का तुम रखो खूबसूरत ब्यूटी सलोन सुंदर का मतलब खूबसूरत नहीं हिंदी लैंग्वेज सुंदर कहते हैं ये बहुत सुंदर है तो फिर वो इंडिया लैंग्वेज तुम इंडिया जमाने से नहीं पहले रहे जिन्ना को मैं बचपन तो आ रहा हूँ आज किन्ने साल हो गए किन्ने साल हो गए फिर भी कुछ नहीं बढ़ाते अपनी मर्जी की कटिंग कराई थी क्यों
ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਲੂਨਾਂ 'ਤੇ 500 ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 8-9 ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਡਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। A few moments later, यार अज होया इदा कि मैं उत्थे बैठा हुआ तो फिर बिजली बंद हो गई, तो इन्नी गर्मी उत्थे अंदर छोटी जी दुकान है तो इन्नी गर्मी हो जाती है, इसलिए मैं फिर उत्थे उठ के आ गया। तकरीबन 6:30 हो गए थे, तो मैं फिर खेलन भी जाना होंदा वॉलीबॉल, कुछ दिनों तो फिर रेगुलर जा रहा खेलन, तो इस वजह तो फिर मैं अज भी रेगुलर खेलना सी। उत्थे फिर नैट खेलन चला गया, वॉलीबॉल खेलन चला गया, तो उत्थे खेलदे आ डिग पिया खेलदा, बहुत भैड़ी सट लगी लत्त। वो मेरी वीडियो भी लग गई कि जिन्ने मेरे कपड़े भरे हुए थले मिट्टी से डिग गया। सो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कल इंशाल्लाह फिर वाल कटावांगा, मैंने पहली बार नहीं आया, तकरीबन मैं हर बार जो वाल कटाने होंगे 5-10 दिन लग ही जाते हैं, जाना वा तो वेट करना मैंने बिल्कुल नहीं पसंद किसी का इंतजार करना, तो मैं उत्थे जाके पहनना वा तो कहते हैं कि रश लगे थोड़ी देर बाद आई फिर जाओ रश लगे करते कराने 5-7 दिन हफ्ता मैं इदा ही गुजार दिना, जिदा नंबर लगना उन्हें कहना नहीं यार तू ना कटा तेरे वाल सोहने लगते पे नहीं तो साफ कर, तो फिर मैं नहीं कटाने मैं फिर चुप करके उठ के आ जाता हूँ। सो कल तो मैं लाजमी कटाने वाल, मैंने बहुत तंग कर रहे हैं, इन्नी गर्मी लग रही उधरों वैसे भी थोड़े मेरे वाल वड्डे हो जाते कमज़ोर हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त कहते हैं यार तू वड्डे वाल रखता तेरे सोहने लगते हैं, कोई कहते छोटे वाल रखता सोहने लगते, मैं क्या करता हाँ मैं एक बार जाना हूँ करवा लेंगे ने छोटे छोटे करवा लेने, तो छोटे छोटे करा के 2 महीने 1.5-2 महीने निकाल लेने, वड्डे वड्डे भी हो जाने तो छोटे छोटे भी होने, दोवें फॉर्मैलिटीज़ पूरी हो जाए, मतलब दोवें हिस्से पूरे हो जाने, छोटे भी हो जाने वड्डे भी हो जाने। सो किसी का गिला नहीं रहा फिर कि तू छोटे क्यों रखे तू वड्डे क्यों नहीं रखे, तो फिर इस तरह मैं आराम सुकून 2 महीने गुजरे आते हैं, फिर जाना होंगे। हूँ मिलते हैं कल फिर इंशाल्लाह नैक्सट व्लॉग न, मेरे चैनल में सब्सक्राइब लाजमी करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि मेरी हर न्यू वीडियो तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़, अगली बारी सही। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।